एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सभी बोलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हाय कर दो, गुड मॉर्निंग कर दो। अच्छा गुड मॉर्निंग कर दो, हाय नहीं करनी हमने, गुड मॉर्निंग करनी है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज मैं जल्दी उठ गई हूँ, आज मैं सुबह सुबह उठ गई थी, बड़ी जल्दी उठ गई हूँ आज मैं। मॉर्निंग हो चुकी है और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ आज। शादी आ गई है किचन में और ये करिए डिस्टर्ब मुझे। आज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं कोफ्ते, तो मैं लौकी को कद्दूकस कर रही हूँ। हम बोलते हैं डांडी, तो डांडी कद्दूकस होगी। और मैंने साथ में जो है इसको थोड़ा रख लिया था अलग से कट करके, इसके मैं बनाऊँगी पकौड़े मम्मी के लिए। तो उसको मैं गोल गोल कट कर रही हूँ। एक्चुअली मम्मी कोफ्ते नहीं खाते हैं, अवॉइड करते हैं खाने, क्योंकि इनको जो है वो डाइजेस्ट नहीं होते इसलिए। और मैं भी थोड़े लंच में ले लूँगी पकौड़े। और ये दोनों रेडी हैं और प्याज टमाटर भी मैंने छील के रख लिए हैं और इसको थोड़ा सा बॉइल करने के लिए रखूँगी, जिससे ये जल्दी पक भी जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा। जिंजर गार्लिक भी मैंने छील लिया और बैटर में मैंने कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया, बस बेसन, नमक, मिर्ची और जीरा और साथ में थोड़ा घर का गरम मसाला, बस ये ऐड किया है कोफ्तों में। और जो पकोड़े हैं उनमें सिर्फ मैंने नमक, मिर्ची ऐड किया और बेसन, बस इससे अलावा कुछ ऐड नहीं किया है। और अभी मैंने अपने पैन में जो है वो ऑयल रख लिया। ऑयल आपने देखा होगा कितना कम लिया है इसने, आप सोचते होंगे कितना कम ऑयल यूज़ करती है ये कंजूस, कितनी कंजूस है, कितना कम ऑयल यूज़ करती है। आप पूरा व्लॉग देखो, आपको पता चल जाएगा कि मैं इतना कम ऑयल जो है वो क्यों यूज़ करती हूँ। और मैंने इतने से ऑयल में जो है अपने सारे कोफ्ते रेडी किए हैं और बहुत कम ऑयल में मैंने पकौड़े भी बनाए। और मैं दोनों एक साथ जो है वो बना रही हूँ इनको, एक चूल्हे पे मैंने कोफ्ते रखे हैं और एक चूल्हे में मैंने पकौड़े पकने के लिए रखे हैं बनने के लिए। तो ये दोनों जो है ऑलमोस्ट डन है, साथ के साथ दोनों बन भी गए। और ये देखो प्लेट में बिल्कुल ऑयल नहीं दिखेगा आपको। और मैंने थोड़े से 1 टेबल स्पून ऑयल में जीरा, धनिया, हल्दी मिक्स कर ली और इसमें जो है वो मैंने प्याज, टमाटर, जिंजर गार्लिक चॉप किया था वो भी ऐड कर लिया मसाले में। अब इसको मैं जो है अच्छे से भूनूंगी और साथ में जो है वो पानी ऐड करूंगी। तो ये थोड़ा सा मैंने जो कोफ्तों का बैटर था उसमें पानी ऐड करके मसाले में ऐड कर लिया। इसमें मैं थोड़ा नमक डालूंगी और साथ में मसाला टिक्की डालूंगी कलर के लिए, थोड़ा सा गरम मसाला और साथ में मलाई, घर की मलाई ये ऐड कर ली। और साथ साथ में चपाती भी लगा रही हूँ, साथ साथ में जो है तड़का भी भून रही हूँ, साथ में देख रही हूँ इसको भी। और मेरी चपाती जो है ऑलमोस्ट डन है। सुबह सुबह यार मॉर्निंग में बहुत काम होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है, सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। और इसमें मैंने पानी लगा लिया और ग्रेवी मेरी रेडी है और उसका कलर बहुत अच्छा आया था। अभी वीडियो में जो है ब्लॉग में इतना अच्छा दिख नहीं रहा है आई थिंक, तो बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा कलर आया था। और ठंडा होने के बाद मैंने थोड़ा ठंडा होने के बाद मैंने कोफ्ते ऐड कर लिए इसमें और साथ में कोरिएंडर भी ऐड कर लिया। तो अभी जो है मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है और अपना बॉफ भी हो गया और अभी मैं लगी हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने, अपना हेल्दी शेक। और साथ में जो है जो मैंने अपने कोफ्ते बनाए हैं मैंने आपको बताया कि मैं तड़का 1 टेबल स्पून में लगाया था मैंने। और एक और बात बोलूँगी कि जो कोफ्ते थे वो मैंने बहुत कम ऑयल में जो है उनको डीप फ्राई भी नहीं हुए थे, मतलब कि शैलो फ्राई समझो, ना डीप ना शैलो, मतलब कम तेल में मैंने जो है वो कोफ्ते बनाए अपने। और साथ में जो है मैंने अलग से जो क्या कहते हैं वो पकौड़ों से बनाए थे वो बड़े कम तेल में बनाए थे मम्मी के लिए, और साथ में एक आधा मैं भी लूँगी लंच में। और ये जो है मैं कम ऑयल इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि एक तो पहले ही बात मेरी डाइट में है और हम जो है मॉर्निंग का सेशन अटेंड करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बेसिक नॉलेज हमें बताते हैं, जो हमें डेली लाइफ में जो हम खाने पीने में जो गलतियाँ करते हैं उसमें वो डिटेल में आपको बताते हैं। तो मैंने खुद जो है अपना जो लाइफस्टाइल है खाने पीने का बहुत चेंज किया है न्यूट्रिशन लेने के बाद, सेशन सुनने के बाद। फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, अगर आप अटेंड करना चाहते हो तो मेरे इंस्टा पेज पे जो है जा सकते हो, DM कर सकते हो मुझे और मैं आपको जो है वो सेशन सेंड कर दूंगी। और इंस्टा का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन अवॉर्ड पे जाके वहाँ पे रहेगा। और सही, और एक और बात जो है तेल में जो मैंने मसाले के लिए तड़का लगाया था वो मैंने अलग से तेल डाला था 1 टेबल स्पून, और जो पहले वाला ऑयल था जो मैं फ्राई कर ली थी वो ख़त्म हो चुका था, डाला ही उतना था कि ये जो है कोफ्ते उसमें बन जाए, उतना अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा ही डाला था कि मेरे को तड़के के लिए अलग से
ऑयल डालना है, क्योंकि वो जो ऑयल होता है जो हमने फ्राई किया होता है, चाहे वो पकोड़े हों, जैसे मैंने कोफ्ते बनाए, पकोड़े हो, कुछ भी हम फ्राई करते हैं, तो वो जो तेल है उतना ही डालो जितनी नीड है, उससे ज़्यादा नहीं डालो। और जब वो आप फ्राई कर, कुछ भी आप फ्राई कर लेते हो, फिर वो ऑयल जो है वो यूज़ नहीं करना है। इससे क्या होता है, पहली बात तो इसमें इतना जल गया होता है ये तेल कि इसमें जितने भी न्यूट्रिशन है वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके होते हैं, तो वो कुछ भी नहीं रहा होता है उस ऑयल में, तो वो तो कुछ भी नहीं है, मतलब कि जीरो है, उसकी जो न्यूट्रिशन है वो जीरो है, उसमें कुछ भी तत्व जो है वो, जो कहते हैं गुणी तत्व जो होते हैं उसमें, वो कुछ नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने जो है उतना अपने अकॉर्डिंग ऑयल डाला था और फ्राई किए थे, और फिर मसाले के लिए मैंने अलग से ऑयल डाला था। तो ये सब थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें जो मैंने अपने डेली रोज़ाना ज़िंदगी में जो है चेंजेस लाए हैं, और काफ़ी अच्छे जो है वो चेंजेस हैं, मेरे को खुद लगता है काफ़ी अच्छे चेंजेस हैं, और काफ़ी अच्छे जो है आपकी, पहली बात की जान है तो जहान है, वो बात है कि खुद का हेल्थ अच्छी रहे ना तो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, आँखों के आगे जितनी भी चीज़ें रहेंगी ना वो सब अच्छी लगने लग पड़ेंगी अगर आपका शरीर अच्छा है। तो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। और सुखी भी आ गई है, सुखी हेलो कर ले। सुखी बहुत बिजी है। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ आलू की तरी इन लोगों के लिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि दाल खाने का मन नहीं है, तो इसलिए जो है इनके लिए आलू बना रही हूँ चावल के साथ। और बच्चों को देखना, तू क्या कर रहा है, औरव गिर जाएगा, क्या कर रहा है, शाबी को भी लगेगी, तुझे भी लगेगी। तो अब मैंने वैसे बैठी थी इन दोनों को लेके, और देखना शाबी के ड्रामे, देखना शाबी, रुक जाओ रुक, दो मिनट, अच्छा दो मिनट देखना, शाबी ने ये स्टिक ली हुई है और देखना रो रही है, मैं ले 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 खुशी, देखी कितनी खराब, दे दो मुझे, दे दो अच्छा नहीं देना, नहीं गंदा हूँ, रुको एक तो मुंडू बड़ा तंग करता है, छोड़ रुकी है मड़िया ओपे जाना है, बैठ जा, देती हूँ तुझे, देती हूँ तेज ले, उरव से भी बात करो, उरव से भी बात करो, और शावी से भी बात करो, शावी शावी की स्टिक ले, रुको ले ली, ये बड़ी खराब है, छोड़ी ब्लॉग, गुड नाइट गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, बाय 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 कर दो, बाय।